नमस्कार सारे को दोस्तों। मेरे लाइन पे सुनील आ गए हैं, जिनके केस के बारे में मैं बात कर चुका था थोड़ा सा ब्रीफली। और सुनील और साथ में उसकी जो वाइफ है अल्पना मेरे को देख रहे हैं, और आपके चेहरों से ही पता लग रहा है कि आपकी जिंदगी में काफी चेंजेस तब्दीली आ गई है। आज है इंडिया में 15 फरवरी, वैलेंटाइन डे हो चुका है कल। कैसा रहा आपका वैलेंटाइन डे? एक्चुअली बहुत ही यूनिक मौका है कि आप इतने महीनों बाद मिले हो, और वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले आपका दिल्ली आना हुआ, अपनी पत्नी से मिलना हुआ, और वैलेंटाइन डे में जो आपने जो गिफ्ट वगैरह दिए होंगे उसके अलावा आपको एक न्यू दिल्ली हाई कमीशन से आपको गिफ्ट मिल गया है एक वाइफ के लिए, स्पाउस वीजा। हाउ आर यू फीलिंग? कैसे लग रहा है सुनील आपको? फीलिंग तो सर बहुत ज्यादा हाई है सर, बता नहीं सकता। पूरे एक साल में आई है सर ऐसी फीलिंग। जो एक साल में मैं आया इंडिया, तो मतलब ऐसे चेहरे देख सकते हो सर, ऐसे रूम पे से खड़े हो गए हैं बहुत पूरे, खुश है सर, बहुत बहुत ज्यादा। और घर ज्यादा। वाले भी बहुत ज्यादा खुशी है सर। तो ये खुशी मुझे आपके लगता चेहरे है मेरी पे लाइफ क्या की जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है सर, ये खुशी जो मिली है मुझे कल। बात है, क्या बात है। इससे अलावा मुझे नहीं लगता कोई मुझे ये खुशी मिल सकती मुझे लाइफ में आगे। मेरे को बहुत ही अंदर दिल से, जिसको हार्दिक खुशी कहते हैं, अंदर से दिल की खुशी हो रही है कि आपसे पैसे लिए। पैसे तो हम सबसे लेते हैं, ऑफकोर्स पैसे इम्पोर्टेंट नहीं, मैटर नहीं करता सर इन चीजों में सर, जब दिल्ली में खुशी तो उसका मिलती है। मतलब, लेकिन आपने एक विश्वास दिखाया, आपने ट्रस्ट रखा। जब आपका एक बार दो बार रिफ्यूज हो चुका ना मेरे से, दो बार रिफ्यूज हो गया, हाँ फिर सर, दो रुपये भी मैंने आपको कहा कि सुनील हम इसके लिए कोशिश करेंगे, हम इसको अब हिम्मत मत हारना, हम इसको चिट्ठी लिखते हैं, अपील करते हैं वगैरह वगैरह, काफी कुछ किया। तो सर। मेरे को ये तकलीफ कभी की होती है कि जो क्लाइंट है जैसे आप है, आप लोग हिम्मत हार जाते हैं कि भाई छोड़ो यार, अब बेकार है, अब कुछ नहीं है, अब किसी और को देखिए कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अगर इसका ये दिल बैठ गया, अगर ये चला गया तो पानी बना बनाए खेल खराब हो जाएगा। और मेरे को काफी तसल्ली है कि आप लंबे टाइम तक मेरे साथ रहे और आज नतीजा आपके पास है। मेरे को अल्पना से पूछना था। अल्पना, आपका एक बार पहले भी इंटरव्यू हो चुका था, आपका नवंबर में, सॉरी नवंबर दिसंबर में, नहीं सर, जैन में हुआ था, नहीं, इसका जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट 17 जुलाई इंटरव्यू को जुलाई हुआ में था था सर। सर वो। नहीं, जो जो मेरे मेरे अप्लाई करने से हुआ था, जो दिसंबर में हुआ था ना, जो जो मैंने किया था आपके लिए, जैन में था सर वो, अच्छा 22 में जैन में हुआ था। था। यस तो सर। उस टाइम आप इंटरव्यू देकर आए, उस टाइम आप परेशान आए थे, रोते हुए आए थे कि वीजा बहुत ऑफिसर रोए ने थे। आपको पसीना निकाल दिया, आपको परेशान कर दिया वगैरह। अब जो सेकंड बार जो आप इंटरव्यू में उस गए, टाइम तो अब होप ही टूट गई थी सर, जो सेकंड टाइम हो गया था वो रिफ्यूज तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। मतलब अब तो जब दो बार इंटरव्यू रिफ्यूज हो जाता है, मतलब ये हो जाता है, मतलब रह गया अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो इवन फिर वो जैसे रिलेटिव थे उसी टाइम कॉल किए, अब सभी ने कॉल की, सभी वेट कर रहे थे क्या हो गया क्या होगा। जैसे ये वहां बाहर निकली, किसी ने बोला रोने लग गई, तो सभी समझ गए नहीं हुआ। तो फिर जब बोलने लग गए यार अभी स्टडी बेस पे ट्राई कर लो या फिर उस पे टूरिस्ट बेस पे अप्लाई कर लो, इसमें नहीं हो रहा, फिर मेरे पे भी डाउट करने लग गए। वो पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, पूरे नहीं है, फिर सैलरी इनफ नहीं है। तो बहुत मतलब सारी चीजें खड़ी हो रिलेटिव जाती में है भी ये जब खटपट चीजें सी होने नहीं लग सही गई, होती मतलब ये तो। डाउट से करने लग गए थे। तो फिर सर हमने आपको कॉल की, तो आपने पे पूरा एक एक 1 आवर लिया, पूरा डिटेल में हमको समझाया। तो फिर हम पूरा सा वो समझ गए थे, हाँ ये हम किसी के बकावे में नहीं आए ऐसे मतलब। तो दोबारा आपने फिर ट्राई की। एक तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया में ना जो घर वाले हैं, ससुराल वाले, मायके वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी साले, ये सब इधर उधर से दबाव डालते हैं कि लड़की का वीजा क्यों नहीं लग रहा जी, शादी भी देर हो हाँ गई सर, जी, जा क्यों रही जी, लड़के में कुछ कमी होगी जी, उसके डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है वगैरह वगैरह, तरह तरह की अपनी थ्योरियां बिल्कुल बनाने बिल्कुल, शुरू कर देते हैं। वो एक तो पीछा नहीं छोड़ते वहां से तो। पता नहीं सर हमने क्या क्या झेला, किस किस की बातें झेली है, क्या क्या और सुना है। या कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अल्पना, अल्पना आप ये बताएं कि आप जब इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं, जब अंदर गए तो आपको कौन मिला, कैसा था अफसर, वो गोरा था, गोरी थी, इंडियन था, कैसे था, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताएं, क्या हुआ आपसे? एक इंडियन लेडी थी, बहुत अच्छी थी वो, बहुत क्वाइट, बिल्कुल अच्छे से उसने बात की, बहुत अच्छे से। गुड मॉर्निंग मैंने जाके उसको विश किया, उसने मेरे से पूछा आप कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे, तो मैंने बोला मैं हिंदी में कर लूंगी, तो उन्होंने इंटरप्रेटर को तभी बाहर भेज दिया। और फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, जैसे उन्होंने पूछा मेरी शादी के बारे में, आपके कौन रहते हैं वहाँ पे, मैंने बोला हस्बैंड रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपकी शादी कब हुई थी, मैंने बता दिया, हस्बैंड कब गए, वो सारी चीजें बताई मैंने।
तो फिर उन्होंने डायरेक्ट जाते ही बोला कि आपकी शादी की प्रूफ दिखाओ मुझे, एल्बम वगैरह, आप कहीं घूमने गए हो शादी से पहले की बाद की, सारी फोटोज दिखाओ. तो वो सब फोटोज फिर मैंने उनको दिखाई. उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं पूछा, बस नॉर्मल देख के फोटोज, सारे फंक्शन एक दो चीजें पूछी, ये कौन सा फंक्शन चल रहा है ऐसे पूछ के. उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, इनके जॉब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेरा हमारा एड्रेस प्रूफ वगैरह देखा उन्होंने, इवन ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने दिखाया. तो वो चीजें देख के फिर, तो राशन कार्ड भी दिखाया था. तो वो चीजें देखने के बाद फिर उन्होंने कुछ एक क्वेश्चंस पूछे इनसे रिलेटेड, ये कहाँ पे रहते हैं, कितना रेंट पे करते हैं, और किसी के साथ शेयर करते हैं नहीं करते हैं, इनकी सैलरी कितनी है, और आपके पास सेविंग्स भी हैं तो दिखाओ उसका प्रूफ. वो तो मैंने इनकी डेबिट कार्ड स्टेटमेंट वगैरह वो सब दिखाए. तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आपका हो गया इंटरव्यू, आप जा सकते हो, जैसा रहेगा हम आपको मेल पे बता दें. अल्पना, ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जो हमने प्रैक्टिस नहीं कराया आपको, जो हमने उसमें जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह था उसमें कोई नहीं आया, उसी में से आए सारे सवाल? ऐसा कुछ भी नहीं था. इवन मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी और उसमें तो बहुत नॉर्मल उसने पूछा. मैंने आने के बाद इनको बोला भी कि मैं क्या इतना इजी हो गया, मैं क्या उम्मीद से भी ज्यादा इजी हो गया. इजी दो वजह से हुआ है. एक तो आपका इसको अपील में गया, अपील किया तभी आपको बुलाया, एक तो yes. वो है. और दूसरा इजी इसलिए है क्योंकि आपने तैयारी बहुत कर ली. जो एग्जाम एग्जामिनेशन के लिए पूरी किताब पढ़ के जाएगा उसको वो कहेगा कहीं से भी सवाल पूछ लो, उसे कोई डर नहीं है. एक तो एक्चुअली ये फर्क हो गया. तो और आपने आपने जैसे कहा कि वो अच्छी लेडी थी, फलाना था, तो मतलब आपको पहले पता चल रहा है कि जो पहले जो इंटरव्यू था उसमें आपका एक्सपीरियंस ऐसा था कि अब अच्छा हो गया बिहेवियर. पहले तो कि यार एक बंदी मेरे सुन ही नहीं रही, जो सामने थे वीजा ऑफिसर वो सुन ही नहीं रही थी कुछ भी, जाते ही बस कह रहे थे आप तो निकलो यहाँ से, क्यों निकलो, मतलब इंटरव्यू देने आई हूँ, ढंग से ले तो ले, कुछ पूछ भी नहीं रही थी वो. तो नहीं पूछ रहे थे वो जैसे उसको फंड के बारे में, फंड को लेकर, और वो भी उसको भी चीजें क्लेरिफाई करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने तो, कि आप चीजें बताओ मेरे को कि कैसे है, आपके पास कितनी सेविंग्स है, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं पूछा. मेरे को याद है अच्छी तरह है, ये जब सुनील ने मेरे को फोन किया था सबसे पहले एडमंटन में, ये बात थी शायद दिवाली की बात थी शायद. हाँ सर, अक्टूबर की थी सर. हाँ तो आपने बोला था मैं आपकी वाइफ को जैसे क्रिसमस से पहले बुला मैंने इसको जोश जोश में मैंने 3-4 सवाल इससे पूछे कि आप जॉब करते हो, आपकी शादी इतनी पुरानी है, आपकी इतनी तनख्वाह है. मैंने इसको जोश में कह दिया सुनील तू फिक्र ना कर, तू पैसे जमा कर, तेरा काम हो गया. और इसको मतलब कि नए साल से पहले इसको मेरी वाइफ यहाँ पर एडमिंटन में होगी. मैंने भी अपनी थोड़ी जरा चुस्ती दिखा दी कि चलो हो जाएगा. लेकिन मेरे को झटका ये लगा कि जब पहली बार रिफ्यूज हुआ ना तो मेरे को अंदर से एक जरा करंट दौड़ गया कि मेरे को ये रिफ्यूज कैसे हुआ. तो उसके बारे में रिफ्यूजल लेटर को कम से कम मैं 10 घंटे तक उसको बार बार पढ़ता रहा, उसको सोचता रहा, पुराने नोट्स निकाले, फिर ये देखा वो देखा, सारी रिसर्च करी. फिर उसके बाद फिर मैंने उसको एक डायरेक्टली एक अपील के लिए मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भेजा. तो उन्होंने शायद पता नहीं हेल्प थोड़ा सा पता लगा नहीं लगा. उसके बाद फिर मैंने दोबारा किया, दोबारा भी फिर वो बात जमी नहीं. अब मेरे को ना हलचल शुरू हो गई कि अब इसको करना क्या है. फिर उसके बाद हम इसको आगे ले गए, फिर आगे ले गए, फिर मिनिस्टर तक ले गए, फिर आगे तक बिल्कुल हेडक्वार्टर तक ले गए, ऑटवा तक मैंने इसको फिर चिट्ठियां लिखना शुरू करी उसको. तो तब जाके वहां से कुछ उनको लगा होगा कि हाँ इस केस में कुछ जान है, कुछ वजह है, तब उन्होंने ये खुला. और जैसे 22 जनवरी को रिफ्यूज हुआ था तो इंटरव्यू में तो रिफ्यूज ही हो गया, तो बिल्कुल ही होप हो गई थी, खत्म हो गई थी, 1% भी होप नहीं थी. तो आपने वो हम तो सोचते थे वो अपील तो डाल दिया, इसका तो कोई रिप्लाई भी नहीं करता, जैसे वहां पे सब बिजी होते हैं. वो आई थी हमारी जैसे दोबारा से इंटरव्यू के लिए, दोबारा इंटरव्यू. आपका आपका भगवान आपके ऊपर कृपा है, आपकी कृपा दृष्टि है. आज बड़ी हैरानी की बात है कि इनका इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू खुल गया, मतलब इंटरव्यू बुला लिया, उसी वक्त आपकी फ्लाइट भी है, आप पहुंच भी गए, एक दिन पहले पहुंच भी गए, और एक दिन पहले आप वैलेंटाइन डे को, जो हम पिछले मेरे एक आध महीने से मेरे बीमार भी हो गया सर, वहां पर बीमार भी हो गए. और पिछले एक महीने से मेरे यूट्यूब चैनल पे कई लोगों ने कॉमेंट करना शुरू किया, पता नहीं शायद मेरे गलती से निकल गया कि भाई हाँ भाई फरवरी वैलेंटाइन डे के समय कुछ ना कुछ होएगा. मेरे को लगता था कि इसकी इंटरव्यू थी ना, तो मेरे को पता था कि इसका होना है.
मेरे को अंदाजा अंदेशा हो गया था कि मैं होना है, तो मैंने ऐसे कह दिया कि भाई हाँ फरवरी 14 को, क्योंकि वो जिस ऑफिसर ने एक बार इंटरव्यू में आपको फेल कर दिया ना, उसका इंटरव्यू में दोबारा पास करना बहुत मुश्किल है। पहली बात ये समझने वाली है, एक बार इंटरव्यू, एक तो इंटरव्यू दोबारा आती नहीं है, और दोबारा इंटरव्यू आ जाएगी तो फिर वो लेके बैठेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारी गलती इसमें निकल आएगी कि हम दोबारा से करेंगे तो पुराना इसका हम क्यों नहीं करा हमने। तो फिर भी मेरे को अंदाजा था कि आएगा, तो इसलिए मैंने ऐसी कन्वर्सेशन में हो गया था कि 14 फरवरी को हो गया। तो ये 14 फरवरी की जो डेट है ये आपके नाम है, ये आपका वीजा आना था, इसलिए मैंने आज भी एक वो डाला कि हाँ फरवरी 14 को वैलेंटाइन डे हमारे यहाँ पर अभी, तो मैंने ये आज सुबह डाला कि मतलब हमारा कनाडा में तो अभी चल रहा है वैलेंटाइन डे, तो मैंने कहा कि वैलेंटाइन डे खत्म होने से पहले पहले इसको डालना जरूर है कि भाई वैलेंटाइन डे के दिन वीजा आ गया है किसी का, तो उसको डाला। और बाकी मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, और मैं भी आपको एक सर बात बताना चाहता हूँ, ये 14 तारीख ना सर हमारे लिए सबसे लकी है सर। मेरा अच्छा? लोग का भी 14 को हुआ था सर, और जो मेरा फर्स्ट वीजा लगा था आयरलैंड का वो भी 14 फरवरी को ही लगा था, जब ये फर्स्ट टाइम आयरलैंड का, तो ये 14 फरवरी को अब इसका भी वीजा लगा, मतलब ये अगर हमें पहले पता होता तो हमारे पे नवंबर में भी 14 को लगाते फिर। हाँ सर पता नहीं सर, ये 14 तो हमारे लिए बहुत ही फैब का महीना हमारे लिए बहुत लकी है। अब घर वाले कैसे हैं, आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, तो आपको बिल्कुल आकार बिल्कुल पलकों में उठा लिया उन्होंने तो। नहीं कुछ होना सर, अब तो पूरी सब बहुत खुश है सर, बाकेट डिब्बा लेके आए दुकान से जाके मिठाई का बांटनी शुरू कर दी, तो सबको इतनी खुशी हो रही है सर, ऐसे एक दूसरे को मतलब हमारे ये लगा ले 50 से ज्यादा रिलेटिव है सर, सबको पास कॉल कर दिया, मैंने तो एक के पास की थी, उन्होंने घुमा दिया सर, आगे से आगे फोन चले जा रहे हैं सबके पास। अभी आप कौन से शहर में हो, कौन से गांव में, कहां पर हो अभी आप? अपने गांव में जैसे हरियाणा में पानीपत जिले में और कुराना गांव में है सर। पानीपत जिले में कुराना गांव में। अच्छा, तो ये कितना बड़ा गांव है, कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है इसकी? इसकी सर होगी सर 7-8 हजार होगी सर इसकी। गांव तो काफी बड़ा। यहाँ तो सभी को मालूम पड़ गया होगा कि छोरा आया है वहां से कनाडा से। हाँ सर सबको पता चल गया सर, सब यहाँ कल से आना भी शुरू हो गया लोग मिलने, इतना भी बड़ा वो है सर मोहल्ला है सर, सभी को ये उठा था इसका, ये लड़की तो यही है एक साल से, मतलब अभी तक गई नहीं, डेली जैसे आते हैं घर पे जैसे आना जाना होता है, अभी कब आएगा, रिफ्यूज हो गया वैसे, मतलब सो तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये भी जैसे, फिर उनको देख के अगर वो आ गया फिर अंदर चली जाती थी, अभी पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आपके पास वो रिक्वेस्ट लेटर आ चुका है, उसका जो रिक्वेस्ट लेटर आपके पास है, आज अभी वर्किंग डे है वहाँ पर, शनिवार को खुला VFS खुला है शनिवार को मेरे पता नहीं सर, सैटरडे को नहीं खुलता, मंडे को जाएंगे। अच्छा पता नहीं, अच्छा देख लो, अगर VFS खुला है शनिवार को तो अभी करो, नहीं तो मंडे करो, आप इमीडिएटली अपना वीजा स्टैंपिंग करा लो। हाँ सर, फिर मैंने टिकट भी अपने साथ ही करानी है। और इसकी टिकट भी करा लो, और आपकी टिकट कब है वापस आने की? मेरी होली को सर 10 मार्च को। अच्छा अच्छा, तो अभी 10 मार्च तो बहुत, अभी तो यही रहोगे, एक महीना ही रहोगे फिर। हाँ सर, अब अच्छी छुट्टियां मनाई जाएंगी, अब छुट्टियां बहुत अच्छी, अभी बहुत ज्यादा जाएंगे सर, टूर पे जाएंगे सर, घूमने फिरने जाएंगे कहीं सर। हम याद जोड़ते हैं सर, इतनी खुशी मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं सर, ऐसे इतनी खुशी मतलब इतना अच्छा फील हो रहा ना सर, जैसे लाइफ में नहीं हुआ ही नहीं ऐसे, हम साथ में बैठे हैं और एक दिन पहले आना होता है साल के अंदर, पता नहीं हमने क्या क्या सुना और अब बहुत कुछ सुना है सर, कि आपने हम तो हिम्मत हार गए थे सर एक टाइम पे, लेकिन जो हिम्मत आपने दिखाई ना सर, और जो एक रात पहले भी आपने वो कंटिन्यू इंटरव्यू से जाने से पहले भी बातें ये होती है, जो इंटरप्रेटर था वो भी रात को ही आपने बुक कराया सर, हम तो भूल ही गए थे सर इनके आने की खुशी में, भूल ही गए कि इंटरप्रेटर भी, लेकिन दिल से पड़ गए थे, लेकिन आपने जो वो रखा ना सर, ऐसे कोई भी नहीं करता सर, क्योंकि मैंने अब इससे पहले 2 बार पहले भी अप्लाई करवाया था सर, वो भी कनाडा से ही था सर, तो वहाँ पे मेरे भी वो लगा ले 2-3 लाख रुपए खराब हो गए थे, उसने वो हिम्मत हार गए थे सर, तो मैंने सोचा नहीं सर, और ये आपका जो आपके लिए भी इसने बोला था, इसकी आपने यूट्यूब पे इसने वीडियो देखी थी सर, वहाँ से करा लो, वो सबसे बेस्ट है, तो वो जैसे हाँ, तो फिर मैंने
तभी कॉल की थी सर, अभी एक चांस यहाँ भी ले लेते हैं, तो लाइफ में पैसे मैटर नहीं, इसने बोला था पैसे मैटर नहीं करते, हम साथ हो जाएंगे तब कमा लेंगे, ये तो हाथ का मैला कि ऐसे पूरी लाइफ कमाना। ये मैंने आज भी अपनी वीडियो में कहा है, और वैसे भी मैं जब मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास केस तो बहुत आते हैं, रोज दो तीन लोग आते हैं कि केस करना है, तो मैं सबके केस नहीं लेता, मैं केस उनके लेता हूँ जो केस मेरे दिल को लग जाए, जो मेरे को लगता है कि वाकई ही इनके साथ कोई अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुई है, इनका केस डिजर्विंग है, तो उसके लिए फिर मैं कहता हूँ कि हाँ आप परेशान हो चुके हो, आपका एक बार दो बार तीन बार चार बार रिफ्यूज हो चुका है, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे पास आओ, मैं आपकी बांह पकड़ूंगा और मैं आपको फाइट करूंगा आपके लिए, तो उस तरह का केस लेता हूँ मैं फिर, और मेरे को अच्छा लगता है कि चलो पैसा तो कमाना ही है लेकिन आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप सारी उम्र याद करोगे कि भाई हम लेते हैं ऐसे मतलब, तो उस तरह के केस ज्यादा लेते हैं। मैं आपको और आपके जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर और भी लोग मिलेंगे जिनके स्पाउस वीजा अप्लाई करते हैं, उनके लिए भी मैसेज है और बाकी लोगों के भी मैसेज है कि अगर किसी का इंटरव्यू में मना होता है वीजा ऑफिस से, न्यू दिल्ली से, कहीं से भी मना होता है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आप केस मेरे को दिखाओ, अगर मेरे को लगता है कि केस को हम समझ के पढ़ के उसको चैलेंज कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। कई बार आजकल क्या होता है कि वीजा इंटरव्यू में अगर बयान नहीं मिलते हस्बैंड वाइफ के, अलग अलग इंटरव्यू करते हैं अगर, तो वो इमीडिएटली उसको बैन लगा देते हैं 5 साल का। तो इस तरह के केसेस मैं बहुत सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग डरे ना, अगर ऐसा कुछ आपके साथ कोई इंटरव्यू में आपके साथ कोई ऐसी कोई बात हुई है या आपको डिप्रेशन हो गया है कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी या गलत बयान दे दिया या आपसे भी गलत बयान चले गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आए, आपकी बात सुनेंगे और अगर गुंजाइश होगी तो उसको फाइट भी करेंगे, और फिर जैसे जैसे संजोग हैं जैसे तो होंगे। तो बहुत मेरे को खुशी हो रही है, और इतना ये जो आपके चेहरे की खुशी है, ये उस पैसे को मतलब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि मतलब कि दिस इज अनलिमिटेड रिवॉर्ड मेरे लिए, मतलब कि अनलिमिटेड इसमें खुशी है कि आपका काम हो गया, अब आप अपनी लाइफ शुरू करोगे, अब जितने भी आपने प्लान बनाए थे, जितने भी आपने सोचा था कि मैं हस्बैंड की सपोर्ट करूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगा, अब आप कमर कस लो क्योंकि वहां आप जहाँ जा रहे हो वहां पर बर्फ जमी हुई है, वहां पर बर्फ नहीं सर, हम एडमंटन आएंगे, जैसे मैं वो 10 उसको 13 मार्च को शायद आईलेट्स का एग्जाम देने आऊंगा सर एडमंटन में, तो आपको मिलने आएंगे सर। आप ऐसा करना, ये एक्चुअली मेरा बहुत सपना है क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं या तो टोरंटो उतरते हैं या तो वैंकूवर आते हैं, मेरा बहुत सपना है कि कोई एडमिंटन में उतरे और मैं उस क्लाइंट को एडमिंटन में उसको वेलकम करने आऊं। तो अगर आप पता नहीं इनकी टिकट कहां से लोगे आप, वो तो वापसी वैंकूवर से है ना, कहां से लोगे आप? नहीं सर, जैसे तो पहले वो फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई थी ना सर, तो वो वैंकूवर से थी, आते हुए सर वो एडमिंटन से टोरंटो टू एडमिंटन है सर। तो आप इनकी भी उसी सेगमेंट पे करो एडमिंटन में, और मैं आपको एडमिंटन एयरपोर्ट पे मिलने आऊंगा, आप दोनों को मिलने आऊंगा, आप इसकी फिक्र ना करो। जिंदगी का वो देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और चलो बाकी आप लोग एंजॉय करो, अभी आपके पास अभी छुट्टियां अच्छी निकलेंगी आपकी पूरी होली तक, बहुत अच्छी से निकलेंगी। अभी जैसे वो हमने जगराता भी करवाना माता रानी का। अच्छा हाँ सर, वो फिर जैसे घूम फिर के भी आएंगे सर। बाकी तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है सर 19 तारीख को। माय गॉड, ये सारे और सौर मंडल के सारे तारे इकट्ठे ब्रह्मांड में इकट्ठे होके आपको संजोग बना रहे हैं, देखो। हाँ सर, इस महीने तो खुशियां ही खुशियां आने वाली है सर। तो आप अब 19 तारीख के लिए वो मतलब तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं सर। अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक यू आपका टाइम निकाला, और आई होप के जिन लोगों के केस बिगड़े हुए हैं, जिन लोगों के केस बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, उनको मैसेज आएगा। और मैं सिर्फ केस सिर्फ फाइल करने के लिए लेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कि उसको फाइल कर दिया छोड़ दिया, मैं उसको पूरी पहले बात बोल ली थी सर, मैं ये पैसे के लिए नहीं करता, ये काम जो दिल
आपका ये मतलब वो है सर, अटैच है सर इससे, स्पाउस वीजा के लिए सर। इवन हम लोग बहुत होप छोड़ ही चुके थे कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, जब सेकंड टाइम भी हुआ तो मेरे को तो लगा था, मैंने तो उनको बोल दिया कि आप अप्लाई मत करो दोबारा, मेरे को नहीं करना, मैं कि आप वापस आ जाओ, ये हो गया था। पर आपने फिर भी उम्मीद रखी, अब चार बार वीजा जैसे रिफ्यूज हो गया और दो इंटरव्यू रिफ्यूज हो गया सर, तो होप तो ऑटोमेटिक छूट ही जाती है। और सर अभी भी जैसे इंटरव्यू था हमारा, तो मैं बिल्कुल भी मतलब इतने टेंशन फ्री हो रही है, मेरे को नहीं जाना, मैं कि हो जाएगा जैसा होएगा, मेरे को प्रिपरेशन भी नहीं करनी इस बार, तो इस बार तो बिल्कुल ऐसे गई थी मैं। नहीं सर ने कराई ना फिर वो, फिर आपने कॉल किया और थैंक यू उसका, सुखमन सर ने बहुत हेल्प की, थैंक यू। वो बहुत 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 ज्यादा है, बहुत मास्टर आदमी है, बहुत उसके पास एक्सपीरियंस है और उसने काफी जैसे वो ना सर एक से छोटे छोटे पॉइंट जो हमको मतलब हमको तो याद भी नहीं, वो ऐसे ऐसे पॉइंट बताते हैं ना सर, जैसे बारीकी से लेकर बारीकी से उन्होंने हर चीज बताई, क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है कि आप अगर ऐसे बोलोगे तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, ये हर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। नहीं नहीं ही इज अ मास्टर, मैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ सवेरे के, जो मेरी टीम है, एक मेरा यहाँ पर एक खास है, एक पंजाब में भी है, मेरे पास जो टीम है स्पाउस वीजा की, इस वक्त पूरे कनाडा में ऐसी कोई इमिग्रेशन लॉ फर्म, कोई कंसल्टेंसी ऐसी नहीं है जिसके पास इतनी बेहतर टीम हो जो स्पाउस वीजा को ऐसे टैकल कर सके, कोई कोई नहीं है इस वक्त। मुझे तो नहीं लगता, नहीं होगी, नहीं नहीं है सर, हमें भी नहीं लगता। ऊपर वाले की एक मेहरबानी है, ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है कि ऐसे लोग हैं और आप जैसे क्लाइंट है जो साथ नहीं छोड़ते, तो सबसे बड़ा वो चीज हमको लगा थी सर, सर ही नहीं बता रहे तो हम क्यों आ रहे सर, तब हमारे को दोबारा से ही हुआ सर। मैं तो बिल्कुल होप छोड़ चुकी थी सर, थोड़ा सा आपने नहीं छोड़ने दिया, कुछ इन्होंने नहीं छोड़ दिया। अरे मेरे को तो अंदर से एक मेरे को अंदर से ना एक गुस्सा सा आ गया था कि ये वीजा रिफ्यूज हुआ क्यों और क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को ये पता था कि इसके जो एलिजिबिलिटी बनती है इस पॉइंट पे एलिजिबिलिटी इसकी बनती है, अगर वो इसको वीजा नहीं दे रहे हैं कि तो मेरे को अब ये लग रहा था कि इसमें अब ये लड़ाई का मोड आ गया, अब तो इसमें ये है ना कि बस अब मैं क्या बताऊं कि आगे अब बस आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, बस ऐसे मेरे को अंदर से फीलिंग आती है जब वीजा किसी का रिफ्यूज होता है। ये वर्ल्ड वॉर बाकी बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं कनाडा में, वैंकूवर में, टोरंटो में, एडमंटन में, बहुत जगह इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। उन्होंने कुछ एक बार तो पता नहीं सभी ने बता दिया था उसको, वो कर लो वो अच्छा है, वो कर लो, मतलब इतने ऑप्शन दे दिए थे सर, लेकिन कहीं भी मन नहीं भरा था सर ये वो, तो हम आपकी वीडियो देख के हम मतलब ऐसे डिटेल में जाते हैं सर, सर से ही कराना है। मेरे को बहुत खुशी होती है, कई लोग जो हैं जो वीडियो देखकर ही अपने आप वीजा फाइल कर रहे हैं, अपने आप ही उनका लग गया वीजा देखते, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई, लोग YouTube किसी के काम तो आया। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, आपने सारे अपने पिताजी को, आपके फादर ने जो आपकी हेल्प करी, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आपकी माता जी, सबको मेरी तरफ से उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और जब भी आपकी टिकट हो जाए तो मेरे को बताना आप कब आ रहे हो एडमिंटन, तो मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।